हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं अपने गांव का टूर कराने वाला हूं आप लोगों को। गांव में क्या होता है, खेत, नदी, नहर सब दिखाने वाला हूं आप लोगों को। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्लॉग को। और अभी मैं यहाँ गन्ने के खेत के पास खड़ा हूँ, लेकिन आप लोगों को लेके चलूँगा धान के खेत में कि धान कैसे बिठाते हैं। पूरा आप लोगों को गांव का टूर कराऊँगा मस्त, मेरे गांव में क्या है क्या नहीं है सब कुछ एकदम ज़बरदस्त रहेगा। आप लोग बस ब्लॉग में कंटिन्यू करे रही। गांव जब से आया हूँ गर्मी से बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पीछे देख सकते हो अभी छोटा मोटा गार्डन है और ये साइड में हमारा खेत है जिसमें धान बिठा रहे हैं लोग। और ये है बिया, इसको गांव में लोग बिया बोलते हैं लेकिन इसको इंग्लिश में सीड्स बोला जाता है। और बैक कैमरा चालू करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे सब लोग धान बिठाते हैं गाँव में। आप लोगों को जैसे प्रॉमिस किया था मैं कि गाँव में खेत का ब्लॉग लेके आने वाला हूँ, लोग कैसे खेती करते हैं क्या करते हैं। और धूप बहुत तेज़ है, एकदम चिलचिलाता हुआ धूप निकला हुआ है और मैं इधर बाहर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरे को धान बिठाना आता नहीं है। बिठाऊंगा तो उससे ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा, इसके लिए मैं बाहर बैठा हूँ। अभी 11:09 हो रहा है लेकिन धूप बहुत कड़क है, देख रहे हो वेदर कैसा है, बहुत तगड़ा धूप है। और ये सब लोग धान बिठा रहे हैं, ये साइड का हो गया बिठा के और ये साइड में सब लोग बिठा रहे हैं लाइन से। अभी वहाँ खेत बहुत लंबा है, वहाँ तक है एकदम एंड तक। और ये हमारा कज़न है जो सीड्स लेके पूरे फील्ड में फेंक रहा है ताकि किसी को उठाने के लिए जाना ना पड़े, जिधर रहे वहाँ पे कलेक्ट करके तुरंत वहाँ से बिठाना स्टार्ट कर दे। गर्मी गांव में बहुत ज़्यादा हो रखा है इसलिए मैं आया हूँ नहाने के लिए। इधर देख सकते हो बहुत बड़ा वाला स्विमिंग पूल है। गोवा में आप लोगों को समुंदर और स्विमिंग पूल तो बहुत दिखा है लेकिन ये हमारा नहर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होती है वल्ला हबीबी। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। समुंदर में और स्विमिंग पूल में तो बहुत नहा, लेकिन नहर में नहाने का कुछ अलग ही फीलिंग है, अलग ही मज़ा है। तो अभी एक राउंड और जंप मार के नहाऊंगा क्योंकि असर का टाइम होने वाला है, घर पे जाके नहाना भी और नमाज भी अदा करनी है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो। वेलकम अगेन। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था गांव जाके गांव का व्लॉग बनाऊंगा, तो मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था लेकिन बीच में गायब हो गया था 10 दिन के लिए।
गांव में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसके लिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। और अभी वापस से आ गया तुम्हारा भाई, वीडियो बनाएगा। सब लोग मेरे वीडियो में बोलते हैं तुम चुपचाप ऐसे बोलते रहते हो, हंसते हंसते नहीं हो, तो अभी ट्राई करूँगा थोड़ा हंस हंस के बनाने के लिए। तो मैं अपने गाँव के बाहर खड़ा हूँ और ये मेरा गाँव है, ये साइड में देख सकते हो पीछे, ये मेरा गाँव है। और ये जो रोड है ये गया है सादुल्ला नगर मार्केट को, ये साइड में दिखा देता हूँ, ये सादुल्ला नगर मार्केट को गया स्टेट। यहाँ से आलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से सादुल्ला नगर का मार्केट। और ये साइड में भी एक मार्केट है, लेकिन वो छोटा मार्केट है, वो मद्दो भट्टा है। और ये साइड में भी एक मार्केट है, वो भी छोटा मार्केट है। ये साइड का रास्ता इधर नहर से होते हुए गया है, नहर देखिए सूखा पड़ा है और यहाँ बारिश भी नहीं हो रही है और नहर का कुछ फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने सिर्फ पैसा वेस्ट कर दिया है बना के, क्योंकि जब इसमें पानी नहीं आ रहा, कोई किसान सींच नहीं सकता है, तो क्या फ़ायदा ऐसा नहर का। नहर इसीलिए बनाया जाता है कि बारिश ना हो तो नहर से लोग सिंचाई करें। लेकिन ये देखिए ये नहर है, और सॉरी ये नहर है, उसके बगल में ये खेत देखिए सूखा एकदम चट्टान की तरह पड़ा हुआ है। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ये भी सूख जाएगा, पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। खैर छोड़िए, मैं फसल के बाद पे आ गया, टॉपिक चेंज हो गई मेरी। मैं ये दिखाना था अपना गाँव, तो अपने गाँव के बाहर खड़ा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि गाँव के अंदर भी दिखाऊँ। गाँव के बाहर जो गाँव के बाहर खुल गया उस पर, और अभी गाँव के अंदर जाने वाले हैं बाइक से, क्योंकि पैदल चल के गाँव दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ से फास्ट मोड में मैं स्टार्ट करूँगा वीडियो, ताकि फटाफट से वीडियो बन जाए, कम्प्लीट जाऊँगा। पहले गाँव के चारों तरफ घुमाऊँगा बाइक से, बस गाँव के अंदर एक फिर वीडियो भी स्टार्ट करते हैं गाँव में। कितना भी मज़ा हो, कितना भी इंजॉय, लेकिन गांव के ऐसा वाइब कभी नहीं आएगा। यहाँ पे चारों तरफ खेती खेत है, हर गांव के चारों तरफ खेती रहता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग किसान ही रहते हैं। हमारे पास भी थोड़ी बहुत खेती है, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। ये देखो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर आना चाहते हैं बच्चे लोग। बोलो बेटा क्या बोलना है, यहाँ क्यों घूम रहे हो? हेलो, मेरा नाम अमन यादव है, मैं खराना में रहता हूँ। मैं इनका वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा। इनको वीडियो को आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आगे बढ़ाएं। तो ये था मेरा प्यारा सा गांव, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से गांव से हो या सिटी से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो थोड़ा बहुत सुधार करना है, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है ना, मेरे को आइडिया नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहो क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी ऐसे ही तबाही मचाते रहो और अपने इस भाई को मत भूल जाना। गूगल पे डाल के तो देख मारा नाम, जब देखेगी टशन छोरी हिल जागी, इंडिया में जाके मारी ले ले डिटेल तेरे दिल ने तसल्ली।